गाइस हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और आज है 26th of December और बज गए हैं 11। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। और आपको पता ही है, मेरा भाई का अभी छोटा सा बेबी हुआ है, तो उसको मिलने के लिए मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने, फर्स्ट टाइम था उसका क्रिसमस, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ सेलिब्रेट करते हैं, उधर भी सरप्राइज़ देते हैं। तो हम कल गए थे और सुबह सुबह 11 बजे हम लोग वापस आ गए, क्योंकि अब मेरा काफ़ी टाइम घर पे भी काम, कुछ बहुत सारे काम थे, तो इसलिए हमने सोचा कि अब घर चलते हैं। और अब हम आ गए घर। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरी हालत, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, ना ही मुंह भी नहीं धोया ढंग से मतलब, और मेरी हालत देख सकते हैं आप। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और मैंने सोचा कि पापा जी के लिए कुछ ले लें, तो उनके लिए कुछ देखते हैं रास्ते में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या लेते हैं और क्या करते हैं। मैंने सोचा न्यू ईयर का गिफ्ट हो जाएगा हमारी तरफ से, तो हम कुछ ले लेते हैं। और आदि के लिए सोच रहे थे हम लेने की, लेकिन इसने तो अभी न्यू जैकेट ली है, तो इसके लिए अभी इतना नीड नहीं है, तो उनके लिए ले लेते हैं। और बाकी तो सब बढ़िया है। और हम 26 को अब वापस जा रहे हैं। और ऐसा हो जाता है कि जब शादी को काफी साल हो जाते हैं, तो फिर ससुराल मायके में भी मन नहीं लगता, और अब मेरा खुद भी वहाँ पे ज्यादा मन नहीं लगता, मुझे खुद अजीब सा होने लग जाता है वहाँ रह के। और मुझे अब ऐसा हो गया था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, और मैं फटाफट से सुबह सुबह निकल गए हम लोग। और अभी हमने घर जाके पूजा वूजा करके तब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और मम्मी ने हमारे लिए टिफिन भी रख दिया है, दिखाना दीदी टिफिन का है हमारा, दिखा आपके हट पीछे है तो ये देखिए टिफिन रख के दिया है मम्मी ने, पराठे बना के दे रखे हैं आलू के, और उसमें चटनी और वो थोड़ा बहुत जिसे चीजें दे रखी हैं। अब बस मैं घर जाके चाय बनाऊंगी, और पराठे मम्मी ने दे ही दिए हैं, हम वो खा लेंगे घर जाके। और अब हम जा रहे हैं घर। और अचानक से इन्होंने अपना प्लान ही बदल लिया और खुद के लिए लेने लग गए शर्ट। साइज छोटा है, हाँ दो शर्ट ली थी यही वाली। वो मस्टर्ड वाले का उसका साइज है डबल एक्सेल, ज्यादा छोटी लग रही नहीं अभी तो ठीक है, अब तो ठीक लग रही तो है, फिटेड है। हाँ प्रॉपर दिखता है। उसके बाद गाइज हमने पहले इनके लिए लिया, फिर उसके बाद पापा जी के लिए भी लिया, तो वो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, पर हमने पापा जी के लिए भी ले ली है ट्रैक सूट, और बहुत ही अच्छा ट्रैक सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर सा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और इसमें ना अंदर फर टाइप भी है, जिससे कि वॉर्म बहुत रहेगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, 2000 में हमें पड़ा, मतलब 1999 कुछ करके है ये। और ऊपर भी फर है इसमें पूरा, और नीचे भी फर है लोअर में। तो इसमें क्या होगा कि हमें इनर पहनने की उन्हें ज़रूरत ही पड़ेगी, और कभी कभी ऐसा सरप्राइज भी दे देना चाहिए मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे या किसी ओकेजन में दो, कभी भी देने देने चाहिए, उन्हें भी खुशी होती है, क्योंकि बड़े भी हमसे काफ़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे, और हमें ऐसे ही बिना किसी रीज़न के भी उन्हें गिफ्ट देने चाहिए। तो मैंने ही स्पेशली बोला कि प्लीज़ लेते हैं आज उनके लिए कुछ गिफ्ट, क्योंकि आज थोड़ा मेरे को मन था कि कुछ ले लेते हैं, तो मैंने सोचा था कि ले लेते हैं। तो हम लेके जा रहे हैं उनके लिए गिफ्ट, और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहेगा इस चीज के ऊपर। तो चलते हैं अभी अभी घर, और हम पहुंचने वाले अपने घर के लिए। ये मेरे पापा, और हम लाए हैं पापा के लिए एक गिफ्ट। क्या गिफ्ट है जी? जी देखिए, थैंक यू, और अपना रिएक्शन दीजिए। ओह सॉरी, नमस्ते। अरे वाह,
जरा निकाल के देखो, जैकेट है, जैकेट भी है और देखो कैसा है ट्रैक सूट आपका। जब पापा ने बोला था ना कि चाहिए, तो बहू के दिमाग में कब से था कि आप ले लूं। पापा ने बोला कि मेरे लिए नहीं लाते तुम ऐसा। कैसा लगा पापा आपको? थैंक यू, अच्छा है, पसंद आया? आप पहन के भी दिखा दो। और गाइज उसके बाद हमें जाना था कथा में, तो हम लोग पहुंच गए हैं उसके बाद कथा में और हमने किया दिन में लंच। उसके बाद हम सीधा, मतलब ब्रेकफास्ट ही था हमारा मॉर्निंग का ही, 12 बज चुके थे। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गए कथा में, तो मेरी बुआ के घर में कथा थी तो हम लोग वहाँ पर गए हैं और सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और जैसे कि मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत पूजा पाठ में मतलब बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब करना चाहिए और बहुत अच्छा खुद को फील होता है। तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और अभी थोड़ा पूजा वूजा हो रही है, तो वहाँ बैठ के काफ़ी ध्यान लगाया हुआ है हम लोगों ने और बहुत अच्छा फील हुआ सत्यनारायण जी की कथा सुन के। और अभी स्टार्ट होने वाला है हवन और उसके बाद हम शाम का करेंगे डिनर और उसके बाद जाएंगे हम घर। तो आज का मेरा वीडियो बस इसी चीज़ के ऊपर था, और आप लोग अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा और मैं व्लॉग्स अपने डालती रहूँ। कोशिश करूंगी कि मैं एक एक दो दो दिन में आप लोगों को अपने व्लॉग्स देती रही कंटिन्यू। और लाइव आने के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था, बट मैं लाइव मैं कोशिश कर रही हूँ आने की, बट मेरे फ़ोन में लाइव कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और जो भी क्वेरी या क्वेश्चन आप लोगों के हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थंब बटन ज़रूर दबाएँ, और हो सके तो मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें। बाय।